एंड माय डियर टीचर्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक एड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड है। ये 20th सेंचुरी में हुआ था, वो भी 1900 से लेकर 1999 के पीरियड में। इस पीरियड में बहुत सारे वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फंडामेंटल चेंजेस, रिवॉल्यूशंस हुए थे, इसीलिए इस पीरियड को एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारे कंट्रीज ने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि इंडिया और जापान, और कई सारे कंट्रीज ने डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, सर्बिया, अमेरिका और रशिया। तो इधर हम लोग के तीन मेन रीजंस है। फर्स्ट है डिप्लोमेटिक ग्रुपिज्म, सेकंड है डिविजन ऑफ यूरोपियन नेशंस इन टू ग्रुप्स, और थर्ड है मर्डर ऑफ रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका फर्स्ट और मेन रीजन है डिप्लोमेटिक ग्रुपिज्म। हियर आवर फर्स्ट थिंग स्टार्ट्स। मैं जर्मनी, बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले देखा जाए तो मैं बहुत कमजोर हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले कौन सी छोटी कंट्री पे वॉर किया जाए जो काफी कमजोर है। कौन सी ऐसी कंट्री है जो मुझसे भी ज्यादा कमजोर होगा? हाँ, ऑस्ट्रिया। तो सबसे पहले मैं ऑस्ट्रिया पर वार करता हूँ। ऑस्ट्रिया। ओके, आई सरेंडर। ओके, अब तो मैंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, लेकिन अब मुझे कोई और कंट्री को हराने के लिए मुझे किसी के साथ की जरूरत होगी। मैं किसी और कंट्री को अकेले तो नहीं हरा सकता, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली जाए। ऑस्ट्रिया, क्या तुम मेरे साथ सारी दुश्मनी भुला के दोस्ती करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, अब जब मैंने ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली है, तब अब मुझे मेरा मेन एम है फ्रांस को हराना। फ्रांस, गेट रेडी टू डिफीट। आई सरेंडर। अब मैंने फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस, अभी इसके हिसाब से तुम्हें मुझसे ट्रीटी साइन करनी होगी। ट्रीटी? व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटी? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, जिसके हिसाब से तुझे अपने दो सिटीज मुझे देने होंगे, एलिसेंस और लॉरेन, वरना और एक वॉर के लिए रेडी हो जाना। ठीक है, मैं ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हूं। देन साइन दिस ट्रीटी। तो इस तरीके से मैंने फ्रांस को हरा के उसके दो सिटीज ले लिए, एलिसेंस और लॉरेन। अब मुझे पता है कि इंग्लैंड और फ्रांस भी दुश्मन है, इसीलिए मैं इंग्लैंड को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वरना इंग्लैंड और फ्रांस एक साथ आकर मुझ पर भारी पड़ जाएंगे, इसलिए मैं इंग्लैंड को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर अब मुझे ये भी पता है कि इटली और फ्रांस का भी झगड़ा है, अगर मैंने इस मौके का फायदा उठाया तो मैं इटली को अपने ग्रुप में शामिल कर सकता हूँ, इसीलिए, और फिर मेरा एक अलायंस भी बन जाएगा और मैं ताकतवर भी बन जाऊंगा। इटली। व्हाट्स हैपेंड? जर्मनी। इटली, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन एक ही है, वो है फ्रांस। तो क्या तुम उसे हराने में मेरी मदद करोगे? यस, यस, श्योर। तो इस तरह से मैंने 1882 में जर्मनी, 1882 में मैंने अपना एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली शामिल थे। इस तरह फर्स्ट रीजन डिप्लोमेटिक ग्रुपिज्म खत्म होता है। सेकंड रीजन डिवीजन ऑफ यूरोपियन नेशन इनटू टू ग्रुप्स। सेकंड थ्री, मैं जर्मनी की इन हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे रशिया के साथ, इंग्लैंड के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए और हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। इंग्लैंड, जरा यहाँ तो आओ, क्या तुम क्लोजअप करते हो? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या तुम उसे दोस्ती करोगे? क्या पता अगर तुम मुझे धोखा दे दो। अरे पगले, तेरा और मेरा एक ही दुश्मन है, वो है जर्मनी, तो मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। तो ठीक है, मुझे लगता है हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। लाला, क्या हुआ? मुझे लगता है कि अभी हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। पर इससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें मिलिट्री सपोर्ट दूंगी, और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार रहूँ। क्या तुम श्योर हो? हाँ। ठीक। रशिया, इंग्लैंड, क्या तुम्हें पता है जर्मनी पहले से और पावरफुल हो चुका है? हाँ, अभी उसने अपनी एक अलायंस फॉर्म किया है। तो क्यों ना हम लोग भी एक ग्रुप फॉर्म कर ले। हाँ जरूर। ठीक, तो हम लोग के ग्रुप का नाम होगा ट्रिपल एनटीडी। तो इस तरीके से 1907 में ट्रिपल एनटीडी फॉर्म हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया शामिल थे। अब हम अगला रीजन देखेंगे, जो है रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, जो है प्रिंस का मर्डर। मैं तो ऑस्ट्रेलिया का प्रिंस। अरे तेरी तो शादी भी हुई थी, तेरी बाइस का गोबर। ये इक्विपमेंट तो
सर्बिया के लोग पहनते हैं। सर्बिया क्या हुआ? तुम्हारे एक सिटीजन ने मेरे प्रिंस को मार दिया। पर तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये इक्विपमेंट दिख रहा है, ये इक्विपमेंट मेरे प्रिंस के पास पड़ा हुआ मिला। इस और सब तुम्हारे सिटीजन पहनते हैं, और देखो तुमने भी पहना है। इसका मतलब तुम्हारे सिटीजन ने मेरे प्रिंस को मार दिया। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का वक्त देता हूँ, और तुम्हें मेरे कुछ डिमांड्स पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो क्या मैं तुम्हारे अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दूंगा। क्या हुआ? रशिया ने मेरे ऊपर अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स किए हैं, जो मैं अभी फुलफिल नहीं कर सकती। पर वो सब डिमांड्स तो गलत है। तो मैं अभी क्या करूँ? मुझे टेंशन हो रहा है। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मुझे पहले किसी की जरूरत थी और तुमने आके मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर 2 डेज। सर्बिया क्या हुआ? तुमने मेरे डिमांड पूरे नहीं किए, अब वॉर के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे डिमांड पूरे नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे रशिया ने सपोर्ट किया है। रशिया रुक जाओ। ये सिर्फ सर्बिया और ऑस्ट्रिया का वॉर है, तुम इसमें बीच में दखल क्यों दे रहे हो? सर्बिया अपनी आर्मी वापस लेके जाओ, वरना 24 घंटों के अंदर मैं तुम्हारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दूंगा। मैं अपनी आर्मी वापस नहीं लेके जाऊंगी। ठीक है, तो फिर वॉर के लिए रेडी हो जाना। इटली हेल्प अस। इटली नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे तरफ से नहीं लड़ सकती। मैं फ्रांस की तरफ से लड़ूंगी, क्योंकि लिए उनके पास तुमसे ज्यादा उनके पास ज्यादा पावर है। फ्रांस किस पास? इंग्लैंड। हमें मदद करो। नहीं बाबा, मैं इस वॉर में एंट्री नहीं करूंगी। यस यस, हम जीत गए। और फिर इसी तरह जर्मनी जीता गया। बाद में जर्मनी ने सबमरीन यूज करना स्टार्ट कर दिया इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया को हराने के लिए। तो फिर एक दिन अचानक उसने अमेरिका के शिप लुस्टियाना पर वार कर दिया, जिसके वजह से बहुत सारे अमेरिकन पैसेंजर्स मर चुके थे, और फिर अमेरिका ने उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। अमेरिका, जर्मनी, तुम अपने सबमरीन क्यों यूज कर रहे हो? क्यों मेरे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? मैं तुम्हारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करूंगा। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट वॉर छेड़ दूंगी। चलेगा, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, वॉर के लिए तैयार हो जाओ। आई सरेंडर। That's good. इस तरीके से जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, और फिर जर्मनी के जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उसने ट्रीटी साइन कर ली अमेरिका से, और फिर इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया 1918 में। नाउ लेट सी द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें बहुत सारे पीपल्स जो सोल्जर्स जो है मर गए थे, अबाउट करोड़ एंड लैक्स ऑफ सोल्जर्स मर चुके थे। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज को इससे लॉस हुआ। सिर्फ 2 कंट्रीज पे इससे बेनिफिट हुआ, जो थे अमेरिका और जापान, और फिर अमेरिका सुपर पावर एमर्ज हो गया पूरे कंट्री में। फिर बाद में जो डेली नीड था, जो डेली प्रोडक्ट्स के नीड्स थे, उसके प्राइस जो है बढ़ने लगे। उसके वजह से पीपल जो भी नॉर्मल पीपल थे उनकी जिंदगी और फिर खराब होने लगी, और फिर इसके वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो टूटने लगे। उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी असर पड़ा। बहुत सारे कंट्रीज को लॉस हुआ, और जर्मनी को वर्सलेस ट्रीटी साइन करना पड़ा जो अमेरिका ने उसे दिया था, और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। लेकिन जब जर्मनी में हिटलर का डिक्टेटरशिप आया, तब उसने सोचा कि ये जो ट्रीटी जर्मनी ने साइन की थी, वर्सलेस ट्रीटी, ये सबसे ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। हमें ये ऐसे साइन नहीं करना चाहिए था। अगर ये साइन नहीं किया होता तो फिर आज हम लोग की कंडीशन अच्छी होती। तो फिर उस तरीके से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एक रीजन बन गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। थैंक यू।